नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक के साथ उपस्थित हूं, जिसके रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति। सीखने की चाह यह पुस्तक है, जो अंग्रेजी में जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक बिगिनिंग्स ऑफ लर्निंग का हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद अचलेश चंद्र शर्मा और निधि पंत ने मिलकर किया। जय कृष्णमूर्ति भारत के जाने माने दार्शनिक, शिक्षक, प्रवक्ता, प्रवचनकर्ता और पथ प्रदर्शक थे। एक दार्शनिक के रूप में उनका जो मूल संदेश था वह था, शिक्षा का अर्थ केवल आपको बौद्धिक रूप से समृद्ध करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का आशय यह है कि आप प्रकृति को पहचान सकें, चिड़ियों की चहचहाट को सुन सकें, वृक्षों के परिवर्तन को महसूस कर सकें, यानी इस धरा पर, इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसको संवेदना के साथ, सूक्ष्मता के साथ, आत्मीयता के साथ और प्रेम के साथ बरत सकें और समझ सकें। अगर मैं इसी पुस्तक की बात करूं तो इस पुस्तक के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसके आवरण पृष्ठ भाग पर जो आवरण है उस पर लिखा है कि जब आप इस जगह से विदा लेंगे, कुछ तो ऐसा आपने आत्मसात कर लिया हो जो न तो हिंदू है न ही ईसाई, और तभी आपका जीवन पुनीत होगा और पावन। आप समझ सकते हैं कि यह जो पुस्तक है सीखने की चाह, यह इंग्लैंड के हैम्पशायर के ब्रॉकवुड पार्क में 13 से 19 वर्ष की उम्र के जो लड़के और लड़कियां थे उनके लिए एक एजुकेशन सेंटर है। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान जे कृष्णमूर्ति उसी सेंटर में ठहरा करते थे और 1971 से 80 वाले दशक के बीच आरंभिक वर्षों में वो सप्ताह में दो बार बेहद अनौपचारिक वातावरण में उन बच्चों से मिलते थे, उनके शिक्षकों से मिलते थे, उस विद्यालय के कर्मचारियों से मिलते थे और उनके सवालों का जवाब देते थे। उस दौरान जो सवाल और जवाब हुए हैं, जो संवाद हुए हैं जे कृष्णमूर्ति से, वही इस पुस्तक में संकलित हैं, इसके पहले भाग में। और इसके दूसरे भाग में उस दौरान जो बातचीत उनकी हुई थी वहाँ पे, जो बच्चे थे उनके अभिभावकों से और उनके अध्यापकों से, उन पर जो प्रतिक्रिया दी थी, जो लिखा था बाद के दिनों में, वह संकलित है, जिसको एक लेख के रूप में, कई लेखों के रूप में जे कृष्णमूर्ति ने स्वयं लिखा था। खास बात यह कि कृष्णमूर्ति के लिए किसी भी तरह का कोई भी सवाल अस्पृश्य नहीं था। आप उनसे, मतलब आपका मतलब युवा उनके समय में, उनसे हर तरह का सवाल करते थे, जिनमें अपने धर्म को मानना या इनकार करना, सेक्स की उम्र, सेक्स करना या ना करना, प्रेम और सेक्स का जो अंतर है वह करना, प्रज्ञा क्या है, स्वतंत्रता क्या है, सीखने क्या है, सहयोग क्या है, संसार का सामना कैसे किया जाए, व्यवस्था क्या है, अनुशासन क्या है, और जिसको कहा जाता है कि आजकल की युवा पीढ़ी कहती है कि मेरा निजी स्पेस, प्राइवेट स्पेस, वह क्या है, उसकी क्या है, आज्ञा में, निर्देश में क्या अंतर है, ऊर्जा कितने तरह की हो सकती है, क्या किया जाए कि मन स्थिर और शांत हो, आखिर मनुष्य अपने जीवन में क्या पाता है, वह दिन भर विचार किस तरह से उसके आते हैं और उन विचारों को किस तरह से संतुलित किया जाए या संयमित किया जाए, भय क्या है, संस्कार क्या हैं, और इस पगलाए हुए संसार में कोई बिना पागल हुए कैसे रह सकता है, यानी एक व्यक्ति की जो प्रज्ञा है वह किस तरह से जागृत हो, जय कृष्णमूर्ति के संदेशों का यही मूल था। मैं केवल उद्धरण, एक दो उद्धरण दूंगा, भाग एक और भाग दो का उद्धरण दूंगा, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा आपको दर्शन
अपने आप में जिस तरह का दुरूह विषय है उसे मैं शायद इस एक एपिसोड में कुछ मिनटों में नहीं समझा सकता हूँ। पहला उदाहरण देता हूँ जो भाग एक से है। वह कहते हैं कि यह संसार ऐसा ही है, छलावों से भरा, धोखेबाज, कपटी नेताओं वाला, बस पैसे की ही सोचने वाला। यदि आप सही तरह से शिक्षित नहीं हैं तो आप भी इसी में रंग जाएंगे, इसी रंग में। तो आपके अनुसार शिक्षा क्या है? क्या यह वर्तमान व्यवस्था की या कहें कि अव्यवस्था की मशीनरी में फिट बैठ जाने में मदद करने के लिए होती है, या आप मानते हैं कि यह इससे भिन्न कुछ और चीज़ होनी चाहिए? क्या ब्रॉकवुड में हमारी शिक्षा आपको प्रज्ञावान होने में मदद कर रही है? प्रज्ञावान होने से मेरा तात्पर्य है संवेदनशील होना, न केवल अपनी इच्छाओं, अपनी आवश्यकताओं के प्रति, बल्कि संसार के प्रति, इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति भी संवेदनशील होना। निस्संदेह आपको केवल जानकारियों से भरी शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि इस संसार को निष्पक्ष रूप से जस का तस देखने की क्षमता प्रदान करना इस शिक्षा का अंग है। शिक्षा का काम है पूरी तरह से एक भिन्न और गहन सूझबूझ भरी दृष्टि के साथ इस संसार से रूबरू होने में आपकी मदद करना। जब आप में वह बीज है जो यहाँ प्रस्फुटित हो रहा है, तब उसे आप जीवन भर अपने साथ गतिशील रखेंगे। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह संसार आपको तबाह कर देगा। यह संसार आपको वैसा ही बना देता है जैसा कि वह आपको बनाना चाहता है, यानी एक धूर्त प्राणी। आप समझ सकते हैं कि इस संसार को लेकर, इस संसार की जो जीवन पद्धति है उसको लेकर कृष्णमूर्ति क्या सोचते हैं। कबीरदास जी की बात अगर कहूँ, जो इस पुस्तक में नहीं है, तो कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। जो जागृत होगा, जो इस संसार को देखेगा, वह इस संसार की अराजकता को छुए, चाहे वह धर्म के नाम पर हो रही हो, चाहे वह जाति के नाम पर हो रही हो, चाहे वह जेंडर के नाम पर हो रही हो, लिंग के नाम पर हो रही हो, चाहे वह क्षेत्र के नाम पर हो रही हो, चाहे वर्ग के नाम पर हो रही हो, किसी भी तरह का विद्वेष, किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह की घृणा, किसी भी तरह की हिंसा निंदनीय है। और अगर आप बेहतर मनुष्य नहीं हैं तो चाहे वह इज़राइल हो, चाहे हमास हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वह भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूरोप हो या अमेरिका, आप मनुष्यता की तरफ अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आपकी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं। दूसरे भाग का जो मैं उद्धरण है उसको पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अभिभावकों और अध्यापकों से बातचीत की थी जे कृष्णमूर्ति ने, जो उन्होंने ब्रैकवुड में बच्चों के साथ किया था। उन्होंने कहा था, कहने का मतलब यह नहीं है कि खोज बंद कर दी जाए, बल्कि इतना ही है कि सीखने की शुरुआत हो। ढूंढ पाने के मुकाबले सीखना कहीं अधिक महत्व रखता है। जब तक शिक्षा का सरोकार केवल बाहरी तौर पर संवारने सुधारने से रहेगा, तब तक अंतर्मन की अपनी अगाध गहराई में गति करना निश्चित रूप से चंद लोगों तक सीमित रह जाएगा, और ऐसी अव्यवस्था में दुख व्यापक है। जब तक आप अकूत ऊर्जा के साथ केवल सतह पर दौड़ते रहेंगे, तब तक दुख का न तो समझा जा सकता है, न ही सुलझाया जा सकता है। खुद को जानने समझने में ऊर्जा लगाकर जब तक आप दुख की गुत्थी को खोल नहीं लेते हैं, तब तक विद्रोह और सुधार के ऐसे सिलसिले चलते ही रहेंगे जिनमें कि बारंबार सुधार की आवश्यकता पड़ती रहेगी। साथ ही आदमी के आपसी बैर भाव का अंतहीन सिलसिला भी चलता रहेगा। सब बातों की एक बात है शिक्षा, यानी आदमी को मुकम्मल तौर पर समझना, न कि उसके जीवन के किसी एक पहलू पर, एक आयाम पर सारा जोर लगा देना। केवल बाहरी बदलाव में पूरा जोश खरोश लगा देने वाले उत्साही लोग उन मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं जो कि अधिक बुनियादी होते हैं। जे कृष्णमूर्ति के जीवन दर्शन पर आधारित, उनके संदेशों पर, उपदेशों पर आधारित यह पुस्तक सीखने की चाह आपको बहुत कुछ बताती है। राजपाल एंड सन्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य थोड़ा अधिक है, 435 रुपये है। अगर यह थोड़ी सस्ती रहती तो शायद
बहुत लोगों तक पहुंचती। प्रकाशक से मेरा अनुरोध है कि वे थोड़ा कम मूल्य में इस पुस्तक को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दर्शन दुरूह विषय है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों के काम आएगा। 435 रुपये थोड़ा मूल्य अधिक है, फिर भी यह पुस्तक खरीद कर पढ़ी जा सकती है। पृष्ठ संख्या है 256। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।